सड़क सुरक्षा का पैगाम देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा नगरोटा बगवा में आयोजित हाफ मैराथन में हजारों युवा उत्साह के साथ संकल्प बांध होकर खूब दौड़े। परिवहन मंत्री जीएस वाली ने सुबह करीब 9 बजे नगरोटा बगवा कॉलेज के मैदान में दौड़ का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। वे लोगों को सड़क सुरक्षा के संदेश को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करने को स्वयं दौड़ में शामिल हुए और टांडा अस्पताल परिसर तक 11 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। उनके साथ परिवहन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया और अन्य अधिकारियों ने भी दौड़ में भाग लिया। परिवहन मंत्री ने टांडा में दौड़ सम्पन्न होने पर विजेताओं के सम्मान के लिए आयोजित समारोह के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सड़क यातायात सुरक्षा नियमों की पालना को लेकर सभी को एक आदत विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस दौड़ में भाग लेने वाले सभी धावकों, स्कूली बच्चों तथा आयोजकों को बधाई देते हुए बच्चों को सड़क सुरक्षा बारे स्कूलों में नियमित तौर पर जागरूक करने का भी आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से नशे से बचने का आग्रह करते हुए सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट और बेल्ट लगाकर चलने की जरूरत को गंभीरता से समझाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें और गति सीमा का उल्लंघन न करें जैसे नियमों को आदत में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण सड़क पर अनेक दुखद घटनाएं होती हैं जिन्हें सतर्क रहकर और सुरक्षित चलकर टाला जा सकता है। जीएस वाली ने युवाओं से निजी तौर पर यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा को लेकर अन्य को भी जागरूक करने का आह्वान किया। परिवहन मंत्री ने हाफ मैराथन में विभिन्न श्रेणियों में पहले 5 स्थानों पर रहे धावकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान 21,000, 15,000, 10,000 तथा 5,000 की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी गई। इसके अलावा 19 वर्ष से कम तथा अधिक आयु वर्ग में पहले 3 स्थानों पर रहने वाले प्रतिभागियों को 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए की नगद पुरस्कार के तौर में राशि दी गई। आप लोगों ने अभी तक कितनी दूरी तय की है इसके बारे में? हमने 12 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा तय कर चुके हैं और जिन बच्चों ने, महिलाओं ने, मैरिड महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया उनको मैं मौका देता हूँ। रोड सेफ्टी में एक बड़ा काम आज बच्चों में शुरुआत हुई। 20,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ा उत्साहित करने का यह काम है। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से माननीय वीरभद्र सिंह जी गवर्नर ने मुझे ट्रांसपोर्ट मैटर दिया था और माननीय गडकरी जी ने मुझे हिमालय स्टेट का पूरा देश का जो हिमालय स्टेट है उनका रोड सेफ्टी का कौंसिल अध्यक्ष बनाया। उसको लेके हमने रोड सेफ्टी में काम किया है, तुरंत लगातार काम करते जा रहे हैं और रोड सेफ्टी, हेलमेट लगाओ, सुरक्षित चलाओ, सुरक्षित घर जाओ, बेटी है मोल, ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल को चलाते हुए ना करें, बहुत ज्यादा लोगों को जान खोना पड़ती है इसमें। हेलमेट पहनो, अगर टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट पहनो, कोई भी चाहे तो सीट बेल्ट लगाओ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ज्यादा हेलमेट और जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन्हें फॉलो करें। इसका ये जो मैराथन है इसका संचालन हमारे जीएस वाली जी ने किया और वो भी हमारे साथ 10 किलोमीटर के रूल में इन्वॉल्व रहे। इसके साथ हमने 10 किलोमीटर के साथ 3 कैटेगरी में डिवाइड था, अंडर 21, अंडर 20 और अंडर 19, जिसका भी समापन यहाँ पे ऑडिटोरियम में होगा। थैंक यू। और राजू हेलमेट के बारे में सबको संदेश दिया कि हेलमेट पहनो, आई लव योर हेलमेट, तो हमने सबको हेलमेट के ऊपर ही संदेश दिया है कि हेलमेट पहने। और कोई संदेश क्या देना चाहते हैं? और कोई संदेश कि ओवरटेकिंग ना करें, बस ओवर स्पीड, ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग ना करें, बस अपनी लाइफ में चले और शान से आए और शान से अपने घर में जाए। रोड सेफ्टी था इसका जो मकसद था, वो यही मैसेज देना चाहेंगे कि ड्राइव सेफ। और ये जो खास करके जो यूथ जो आजकल रैश ड्राइविंग, इसमें थ्रिल तो है बट लाइफ का लॉस भी है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि रोड सेफ्टी पर पूरा फोकस होना चाहिए, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक की लाइफ नहीं है, उसके साथ बहुत से और लोग जुड़े हैं। और सेफ्टी अपने हम सेफ रहेंगे तो दूसरों को भी सेफ रखेंगे, क्योंकि रैश ड्राइविंग सिर्फ उसी को हार्म नहीं करती, पूरी फैमिली को। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है
आप लोग बहुत दिनों बाद कोई रेस जीत रही है, ये फीलिंग कैसी है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छी। पहला दूसरा स्थान लिया, ठीक है। थैंक यू।